आज हम लोग बात करेंगे कि आई लव यू का इंग्लिश में हम लोग को रिप्लाई कैसे देना है क्योंकि जब इंसान किसी इंसान को या जब कोई लड़का किसी लड़की को या जब कोई लड़की किसी लड़का को आई लव यू बोलती है तो उस कंडीशन में उसका इंग्लिश में रिप्लाई देना होता है तो चलिए जानते हैं कि इंग्लिश में रिप्लाई कैसे देंगे तो नॉर्मली इंसान बोलते हैं आई लव यू टू जो कि ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत है तो चलिए इस सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग क्लियर करेंगे कि आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू टू जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है असल में आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये तो आपको पता होगा लेकिन आई लव यू टू का मतलब होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ तो यहाँ पे मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से भी प्यार करता हूँ तो यहाँ पे इस सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं आई लव यू का रिप्लाई जब देते हैं आई लव यू टू तो ये ग्रामेटिकल इसका मीनिंग होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ तो अब मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ ऐसा अगर किसी इंसान को हम लोग बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा आप लोग भी समझ सकते हैं अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी या लड़का पढ़ा लिखा रहेगा या दोनों एजुकेटेड रहेंगे तो हो सकता है वो समझ जाएंगे तो इसका करेक्ट रिप्लाई असल में क्या होता है तो चलिए जानते हैं तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि टू का मतलब क्या होता है तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो यहाँ पे जो टू लगने से क्या होता है कि सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है और जब कभी भी हम लोग किसी को प्रपोज करते हैं तो उस कंडीशन में नॉर्मली हम लोग आई लव लो यू बोल जाते हैं जो कि यही बोला जाता है बट आई लव यू टू आप लोगों को कभी भी नहीं बोलना है तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि टू मिस होता है भी तो चलिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं आई लव यू टू मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से भी प्यार करता हूँ तो इसका सही ये होगा आई टू लव यू मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ आप लोग याद रखें आई टू लव यू मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ये करेक्ट है ये सेंटेंस सही है आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप...